have given them a list of workers in this regard, and they have also assured to absorb a huge amount of labor force into the industry. Calling manpower as a big strength, Adityanath has added that the move will only help the workers in regaining their financial stability and also improving living standard. Further adding that the state government is extensively going for skill mapping, which will also lead to the skill building of such workers, adding to their potential to earn. In a mission to give every hand work and also every household employment, the UP government has assured an overall improvement in the policies and rules regarding workers and said that the improvement will take place quickly. हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं धन्यवाद दूंगा कि इसमें सहयोग करने के लिए यहां पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती और नार्डेको जैसी संस्थाओं ने अपनी रुचि दिखाई है। रुचि दिखाने के साथ ही इन्होंने लगभग आज हमें यहाँ पे 11 लाख कामगार और श्रमिकों को उपलब्ध कराने की सूची हमें उपलब्ध कराई है कि इतने लोगों को ये लोग व्यवस्थित रूप से अपने अलग अलग उद्यम में, अलग अलग फील्ड के कार्यों में रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करने की आधारशिला के रूप में जाना जाएगा। तो द्वितीय कार्यकाल का ये पहला वर्ष उन ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा जिसकी वर्षों से, दशकों से, सदियों से प्रत्येक भारतीय जनमानस में अभिलाषा थी। एक ऐसा भारत जो एक भारत हो और श्रेष्ठ भारत हो। पूरा रोडमैप आज योगी आदित्यनाथ ने सबके सामने रखा है। ये एक ढाढ़स, एक उम्मीद, एक नए भविष्य की तस्वीर खींचती है। तो अगर आप देखें उत्तर प्रदेश और इन जगहों से कामगार हैं वो पश्चिम में जाते हैं, अब चूंकि परिस्थितियां बदली तो वापस लौटे हैं, उनके लिए आपके पास एक स्कीम पहले से देखा, इतना पर्याप्त नहीं है कि इतनी भारी संख्या में लोगों को। दूसरा यह है कि मनरेगा में आपको 100 दिन का रोजगार मिलता है। सबसे अहम बात है, काफी संख्या में कामगार ऐसे हैं जो किसी न किसी काम में दक्ष हैं, उनकी कुशलता है, तो क्यों ना स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके पैदा किया जाए और उनको वहां पर एब्जॉर्ब किया जाए। देखिए, हम हमेशा कहते हैं ना कि जब कभी भी परिस्थितियां बनती है तो उसमें एक अवसर है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए हमेशा से ये शिकायत है कि वहाँ पर उद्योग पर्याप्त संख्या में नहीं पनपे हैं, जिसकी वजह से लोगों को पलायन करना पड़ता है। क्या इसे हम रोक सकते हैं? ये जो व्यवस्था की गई है जिसको हम लोग स्किल मैपिंग या लेबर मैपिंग के नाम का नाम दे रहे हैं, उससे कम से कम ये होगा कि पलायन रुकेगा और अपने स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अगर रोजगार के ज्यादा मौके मिलते हैं शिशिर, हम एक कहावत है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ऐसे में क्या कभी हमें लगा था कि जो तमाम ऐसे असंगठित क्षेत्रों के मजदूर हैं, जब वो अपने राज्यों को छोड़कर किसी और राज्य में जाते हैं काम की तलाश में, कभी इस तरह का संकट आएगा कि एक तरह से उनकी जिंदगी पूरी तरह पलट जाएगी, उनका रोजगार उनके हाथ में नहीं रहेगा, या फिर उन राज्य सरकारों की असंवेदनशीलता भी दिखाई देगी जहां वो काम कर रहे थे, जब उन्हें उन शहरों को छोड़ के निकलना पड़ा है? ऐसे में जिस तरह की जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समय उठाई है, चाहे वो स्किल मैपिंग की हो या फिर आने वाले समय में तमाम वो एक तरह से क्षेत्र पैदा करने जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड मजदूरों के लिए भी, कामगारों के लिए भी हो, क्या आपको लगता है इसने एक मौका भी दिया भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का भी इस लिहाज से? Oh, like Nicole.